यहाँ शाहपुर जी में घर खरीदा, उसके बाद से हम लोग सोच रहे थे कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए जो पूरा पूरी हम लोग का घर को अच्छा से सजाए, हम लोग एज पर आवर रिक्वायरमेंट वो अच्छा से काम करे। तो मैं, सुमित पडिया, मेरा वाइफ दीक्षा कुमारी, हम लोग ये हमेशा डिस्कस करते थे कि कैसा होगा इंटीरियर, कैसा हो, कैसा हम लोग बनाएंगे। तब मुझे यूट्यूब के थ्रू और कुछ फ्रेंड सर्कल में दीपक जी का कांटेक्ट मिला, मैंने बात किया। बात करने के बाद एक दो बार हम लोग डिस्कस किए रिक्वायरमेंट के बारे में, तब ओवरऑल मुझे लगा कि हाँ मुझे इनसे ही काम कराना चाहिए। और जैसे हम लोग बात हुआ रिक्वायरमेंट पे, डिज़ाइन पे, तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ा, वो जो चीज़ जहाँ पर चाहिए वहाँ पर उसने हम लोगों को वो बना के दिया बोलने के पहले ही, इसीलिए ज़्यादा कुछ चेंज करने का ज़रूरत पड़ा नहीं। और कुछ भी जो छोटा मोटा चीज़ हम लोग जो चेंज किए हैं वो उसने बहुत अच्छा से रेस्पेक्ट किया हम लोग को चेंजेस को, और उसको समझ के फिर से एज पर आवर रिक्वायरमेंट उसको ठीक से इंटीग्रेट किया। जो हम लोग का जो भी कुछ कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं पड़ा, और कुछ भी छोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट था हम लोग का, इन्होंने बहुत ही अच्छा उसको इंटीग्रेट किया, हम लोग को रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया है। और फाइनली अभी हम लोग काम से बहुत ही खुश हैं। स्पेशली मुझे लिविंग रूम और किचन तो सभी अच्छा लगा, लेकिन लिविंग रूम और बेडरूम बहुत ही अच्छा लगा। और टाइमलाइन, जहाँ तक बात आता है टाइमलाइन का, तो स्टार्टिंग में ही यही हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि 3 महीने लगेगा। इन्होंने उसको 15 दिन पहले ही उसको कंप्लीट करके दिया है। हम लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, हाँ कुछ दिन पहले अगर होगा तो हम लोग अभी शिफ्ट कर जाएंगे जल्दी, तो इन्होंने सब चीज़ बात को माना और उसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया। एंड ओवरऑल वी आर वेरी सेटिस्फाइड आई कैन से। हम लोग का ये घर हम लोग को बहुत अच्छा लगा, ये बेडरूम बहुत हमको अच्छा लगा, ये काम हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हम इसको बहुत पहले से ही बोल रहे थे कि हम लोग का काम बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हम लोग देखें बहुत हमको अच्छा लगा। बहुत थैंक यू, मेरे को सभी अच्छा लगा है, स्पेशली हमको किचन हमको बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक रेटिंग का बात आता है, मैं 10 पे 9.5 मेरा रेटिंग है। आपका कितना रेटिंग है 10 में? 10 में 10।